हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नव क्लासेस। आई एम नवदीप कौर और आज हम डिस्कस करेंगे कॉमर्स के लिए कुछ टिप्स, क्योंकि मैनेजमेंट का पेपर ऑलरेडी हो चुका है। मैं इसी की वेट कर रही थी कि जैसे लर्नर्स कुछ बताते हैं कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करूं। फ्रेंड्स, मैं अनअकैडमी में वेरीफाइड एजुकेटर हूँ। आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके नवदीप कौर सर्च कीजिएगा और मेरी प्रोफाइल में आकर मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं लेटेस्ट से लेटेस्ट पेपर्स और डिस्कस करती हूँ और लेटेस्ट से लेटेस्ट क्वेश्चंस यहाँ पर ऐड करती हूँ। ठीक है, तो आप मेरी प्रोफाइल में चेकआउट कर सकते हैं। रिव्यू भी प्रोवाइड कीजिएगा कि आपको लेसन्स कैसे लग रहे हैं अनअकैडमी पे। सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि मैनेजमेंट का पेपर कैसा हुआ। ठीक है, कुछ लर्नर्स हैं मेरे जो उन्होंने मैनेजमेंट का एग्ज़ाम दिया था, तो उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ। ठीक है, और उसके बाद फिर कॉमर्स की स्ट्रैटेजी भी बनानी पड़ेगी, बिकॉज इसी के जैसा आएगा, मतलब मोस्टली दोनों का एक जैसा ही होता है इसीलिए। ठीक है, सो पेपर वन बहुत इजी था एज़ पर माई लर्नर्स, फिनिश हो गया बहुत ही जल्दी, लेकिन पेपर टू ट्रिकी था। एसर्शन रीजनिंग भरी पड़ी थी, इंटरनेशनल ट्रेड, लेबर ट्रेड यूनियन से बहुत सारे क्वेश्चन थे, देयर मैनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन। एमएम आर्बिट्राज वाला क्वेश्चन था, दैट वाज इजी, एसर्शन रीजनिंग में आया था, बट ये वाला हो गया था। डेरिवेटिव से क्वेश्चन आए थे, देन मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स से डेरिवेटिव कॉमर्स को करने की जरूरत नहीं, बिकॉज उनके डेरिवेटिव से ऐसे क्वेश्चन आते नहीं हैं ज़्यादा, लेकिन अब मैक्रो इकोनॉमिक्स से अनएक्सपेक्टेड कुछ क्वेश्चन लगे उनको। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्वेश्चन ठीक थे, बट ऑप्शन कन्फ्यूजिंग थे, बट स्टैट्स ईजी थी। येस, ये मैंने दो तीन लर्नर से पूछा, दो तीन ने यही बोला स्टैट वॉज ईजी। WTO का एक क्वेश्चन था जो मेरे फ्री लेसन्स में मैंने जो लेटेस्ट IB का एकदम लास्ट मोमेंट में बना दिया था कोर्स, उसमें से आ गया, सो दैट इज़ ऑल्सो गुड। आई विश कि आपका कॉमर्स वालों का भी इसमें आएगा, वैसे पक्का WTO वाला जो मैंने IB का बनाया हुआ ना फ्री लेसन, उसको करना, इंटरनेशनल बिजनेस के उससे क्वेश्चन ज़रूर आएगा, एक या दो तो डेफिनेटली आ ही जाएंगे, बट आएंगे तो सही ना। ठीक है, सो पेपर टू उतना ही ट्रिकी था जितना पेपर वन ईजी लगा इनको। अनदर लर्नर HRM, स्पेशली लेबर रिलेटेड क्वेश्चन थे। ठीक है, एंड कॉमर्स पीपल को अब एडवाइस है फ्रॉम मैनेजमेंट पीपल, वो भी सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट है कि बहुत ही ध्यान से करना, क्योंकि पेपर वन ईजी आ रहा है लेकिन पेपर टू में ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, ये नहीं है कि आप सिर्फ PVC का ही पकड़ के बैठ जाओ या कुछ भी, बट जो भी कर रहे हो उसको एनालाइज करना सीखना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए एडवाइस है। ठीक है, पेपर टू ट्रिकी है, टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है, मैच द फॉलोइंग सबसे ज़्यादा आए, एसर्शन वाले आए, और स्ट्रेट फॉरवर्ड सिर्फ स्टैटिस्टिक्स में ही इनको मिले। ठीक है, और EOQ मैंने कैलकुलेट करना सिखा दिया था आपको, स्पेशल क्लास भी दी थी मैंने। ठीक है, तो उसके अंदर भी EOQ मैंने कैलकुलेट करना सिखाया था आपको, सो वो सब चीज़ें याद रखो, मतलब प्रैक्टिकल सॉल्व करने वाले क्वेश्चन को करो। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। अभी भी दो दिन है, एक दिन, हाँ परसों इवनिंग शिफ्ट है ना आपकी, डेढ़ दिन है, तो एटलीस्ट आप अब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे ध्यान दे सकते हो, असर्शन रीजनिंग के लिए अपने माइंड को बिल्डअप कर सकते हो। ठीक है, नाउ अनदर लर्नर, सो लर्नर काफ़ी एक्साइटेड भी थे बट स्टिल सरप्राइज हो गया ये एकदम से इनके लिए। सो इनके लिए पेपर वन अच्छा था, क्वेश्चन थे हायर एजुकेशन एंड ऑल से, वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं पेपर टू के बारे में। पेपर टू में 100 क्वेश्चन टोटल थे, उसमें से 60-70 क्वेश्चन इनको एसर्शन और रीजनिंग के आ गए मैनेजमेंट में, तो इसलिए टाइम लग रहा था ना एसर्शन रीजनिंग में पढ़ने में, रीडिंग लगाओ उसको समझो तो उसमें टाइम लग जाता है। फिर कंक्लूजन टाइप क्वेश्चन थे, 10-15 मैच द फॉलोइंग थे, और कुछ ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे जिसके अंदर ए से लेकर एफ तक तो उसके स्टेटमेंट्स गिवन है, तो ऑफकोर्स वो टाइम कंज्यूमिंग हो गया ना। ओनली रिमेनिंग क्वेश्चन 15-20 थे जो नॉर्मल क्वेश्चन थे, सो ये एनालिसिस पूरा निचोड़ निकाला है एज पर लर्नर्स, बट आप लोगों को पहले पता चल गया है अब, तो अब पेपर टू में ज़्यादा ध्यान दे दो। ठीक है, पेपर वन तो काफ़ी आप पढ़ ही चुके हो, उसमें भी ध्यान दो, ये ना हो कि पेपर वन ही भूल जाओ। पेपर टू में कैसे ध्यान देना है वो उसके टिप्स मैं दे देती हूँ, कि भाई जैसे असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन आते हैं तो उनको समझना है, लेकिन इतना भी नहीं कि एक एक क्वेश्चन पे 4-4 मिनट लगा दो, समझ लो कि 100 क्वेश्चन है, तो आपको यू हैव टू मैनेज द टाइम। अब मैचिंग वाले इजीली हो जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन में से कोई ना कोई आपका एक या दो भी मैच करने आ गए आप कर लेते हो, उसमें टेंशन नहीं होती, नॉर्मल क्वेश्चन भी कर लेते हो। अब ये जो असर्शन वाले हैं, या फिर आपने ये देख लिया कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो अब आपने ये देखा कि इन लोगों का मैनेजमेंट का आया ऐसा कि ह्यूमन रिसोर्स पार्ट ज़्यादा आया, इंटरनेशनल बिजनेस ऐसा आया, सो इंटरनेशनल बिजनेस का मेरे फ्री वाले लेसन देख लो एक बार। ठीक है, वहाँ से हो जाएगा एटलीस्ट, सो इस तरीके की आप प्रिपरेशन यहाँ से कर सकते हैं।
बाकी जो सब्जेक्ट वाइज अगर मैं कहूँ तो दोनों का काफ़ी डिफरेंट भी है सिलेबस, ठीक है। तो इसलिए आप अपना जो पोर्शन है ना उसको अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। आई विश कि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा हो जाए, थोड़ा सा आपको आइडिया मिला इनसे कि इनका क्या आया, सो उसके अकॉर्डिंग आप अपना भी स्ट्रेटजी रेडी करके आप स्टडी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके अलावा मेरा कंप्लीट कोर्स एनटीए नेट के लिए आया हुआ है। अगर आप 2019 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और 20 फुल लेंथ कोर्स आया, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो क्योंकि अगर आपको जब भी पता चलता है, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट एग्ज़ाम 2019, तो आप अगर आप कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं तो पहले कर लोगे तो इसकी फ़ी कम रहती है, हर बार फीस थोड़ी थोड़ी टाइम बाद अकेडमी पर इंक्रीज़ होती रहती है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, डरो मत, बस पैनिक मत होना एग्ज़ाम में और अपना बेस्ट देकर आना, ठीक है। अगर आपको असर्शन रीजनिंग वाले ज़्यादा टाइम वाले लग भी रहे हैं तो उसको भी काम माइंड से करोगे ना, बिल्कुल एक्टिव माइंड से करोगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच, फेसबुक पेज लाइक कर लेना, ग्रुप ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।